हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक एवरीबॉडी। एंड गाइस, आज के वीडियो में आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट अ न्यूज़ जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। यू नो, मैंने आपको कहा था कि एक मैं मिनी सीरीज शुरू करने वाला हूँ फॉर यू नो फॉर योर करंट अफेयर्स एंड द न्यूज़ विच इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ये जो न्यूज़ है ये मुझे इंपॉर्टेंट लगी, मुझे लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए सिंपल लैंग्वेज में। एंड ऑब्वियसली जब आप इसको पता होगा इसके बारे में तो बेसिकली यू कैन परफॉर्म बेटर, ठीक है। सो मैंने अपना लैपटॉप यहाँ रखा हुआ है, कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो मैं ये देख के आप लोगों को बताता रहूँगा। तो गाइस, कल मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था नो स्पेशल स्टेटस के बारे में। बेसिकली जो हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री है और उनके जो हेड हैं निर्मला सीतारमन, उन्होंने बेसिकली कल एक समिट में एक जगह पे मीटिंग पे कहा था कि नो स्पेशल कैटेगरी विल बी गिवन, ठीक है। सो ये नो स्पेशल कैटेगरी क्या होती है, जो हमारी जो फाइनेंस कमीशन होती है वो एक स्टेटस कैटेगरी निकालती है जहाँ पे जो हमारे जो बैकवर्ड स्टेट्स हैं कंट्री के, ठीक है, जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको सपोर्ट करने के लिए एक अलग से थोड़ा बजट निकलता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट फाइनेंस मिनिस्ट्री, ठीक है। मैं स्टार्टिंग से आप लोगों को सारा बता दूँ सिंपल लैंग्वेज में, ताकि ये जो नो स्पेशल कैटेगरी वाला जो बात है ये तो वी कैन पिक इट अप लेटर, और हो सकता है तब तक आपको समझ में भी आ जाए। बट स्टार्टिंग विद वॉट फाइनेंस मिनिस्ट्री रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर, ठीक है, डिपार्टमेंट्स क्या होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा यूनियन बजट कैसा निकलता है, उसका प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। सो गाइज, आई विल बी टॉकिंग अबाउट दिस टूडे एंड मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो प्रॉपरली, एंड अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। सो गाइस, जो हमारी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बेसिकली जो उनकी रूल्स या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, बेसिकली जो उनका काम होता है, वो एक्चुअली अलग अलग मिनिस्ट्री के थ्रू करवाया जाता है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल, एक एजुकेशन मिनिस्ट्री होगी, एक डिफेंस मिनिस्ट्री होगी, एक फाइनेंस मिनिस्ट्री होगी, ठीक है, एंड एवरीथिंग इज लाइक दैट टेकन केयर ऑफ। स्पेशली नॉट टॉकिंग अबाउट द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री हमारी जो होती है वो बेसिकली पैसा, फाइनेंस मतलब पैसा, ठीक है, जो हमारा कंट्री का जीडीपी है, जो हमारा नेशनल इनकम होता है, उसके रिलेटेड वो ध्यान रखती है, उसके रिलेटेड वो सारी बातें, उसके रिलेटेड पॉलिसीज निकलवाती है, ठीक है। सो पहला पॉइंट ये है जो रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, दैट इज द फिजिकल पॉलिसी। तो आपने सुना होगा, अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, न्यूज़ पढ़ रहे हो ठीक से, तो आपने ये वर्ड, ये टर्म बहुत बार सुना होगा। तो फिजिकल पॉलिसी बेसिकली हमारा ये होता है कि जो हमारा इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट का जो बिजनेस होता है, ठीक है, उसके रिलेटेड पॉलिसीज निकालना, ठीक है। सेकेंड वुड बी योर बजट प्रिपरेशन। सो हर साल मार्च के महीने में जो आता है एंड तक, जो एक साल खत्म होता है हमारा अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है, अगले साल का फिर बजट निकलता है, ठीक है। तो अभी जैसे फरवरी चल रही है तो अभी आ जाएगा एक दो महीने तक, ठीक है। एक ये है एनुअल इकोनॉमिक रिव्यू। सो एनुअली कितना पैसा कमाया है कंट्री ने, कितने यू नो पर कैपिटा इनकम क्या है, सो दैट इज फॉलिंग इन टू दिस कैटेगरी। इकोनॉमिक सर्वे, टैक्स कलेक्शन एंड इंडियन बैंकिंग सिस्टम, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें जो बेसिकली हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री की ध्यान रखती है, या उनका यू नो इनकी ड्यूटीज है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, एंड दैट इज हाउ द वर्क इज डन इन दिस बाय दिस फाइनेंस मिनिस्ट्री। सो गाइस, हमारी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो ध्यान रखती है कि जो हमारा फिजिकल डिफिसिट है वो मिनिमम रहे। अब ये फिजिकल डिफिसिट क्या चीज़ होती है, तो मैंने फिजिकल पॉलिसी के बारे में थोड़ा बताया था कि इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट के उसके ऊपर लेना देना है। सो बेसिकली डिफिसिट तब होता है जब आपके जो इम्पोर्ट्स हैं, जो बाहर से सामान आ रहा है, फॉरेन कंट्री से सामान खरीद रही है गवर्नमेंट, वो ज़्यादा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू एक्सपोर्ट जो कंट्री बाहर बेच रही है, ठीक है। तो बाहर से सामान आना, बाहर से खरीदना, एक्सपोर्ट करना, ठीक है, दैट मीन्स सॉरी इम्पोर्ट करना, दैट मीन्स कि गवर्नमेंट को ज़्यादा पैसा खर्चना पड़ रहा है, एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का, ठीक है, और इनकम एज सच नहीं है, तो ये डेफिसिट होती है। तो गवर्नमेंट ट्राई करती है, स्पेशली फाइनेंस मिनिस्ट्री ट्राई करती है कि ये जो काम है, ये जो प्रॉब्लम है, ये मिनिमम रहे, ठीक है। कहने का मतलब कि हमारा डेफिसिट ज़्यादा ना हो, हमारा खर्चा ज़्यादा ना हो, ठीक है, तो उसको मेंटेन करने के लिए पॉलिसीज निकलती है। अब कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेती है जो गवर्नमेंट, बेसिकली जो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उस डिसीजंस के लिए हमारी जो कैबिनेट मिनिस्ट्री होती है, कैबिनेट कमेटी होती है, वो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी वो, एंड जो इकोनॉमिक अफेयर्स के लोग हैं, वो साथ बैठ के पॉलिसीज़ को रूल आउट करते हैं, प्रोसीजर्स को, पॉलिसीज़ को, कि कैसे काम होगा, ठीक है। और हमारी निर्मला सीतारमन जो है वो बेसिकली पार्लियामेंट में जाके उन पॉलिसीज़ को, उन सारी बातों को बताती है, लोगों के सामने रखती है कि हम लोग इस साल का बजट ऐसा करेंगे, यहाँ पे इतना बजट लगना चाहिए, ठीक है, हेल्थ केयर सेक्टर में इतना जाएगा, एजुकेशन पॉलिसीज़ में इतना जाएगा, यू नो ट्रांसपोर्टेशन में इतना जाएगा, एंड ऑल दोज थिंग्स। तो ये ऐसे करके डिवाइडेड होता है।
सो गाइस हमारी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है वो कहीं ना कहीं 5 डिपार्टमेंट में डिवाइडेड होती है। सो सबसे पहला आता है इकोनॉमिक अफेयर्स, दूसरा आपका आता है एक्सपेंडिचर, तीसरा डिपार्टमेंट आता है रेवेन्यू, फोर्थ वन इज़ योर फाइनेंशियल सर्विसेज एंड लास्ट इज़ योर इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असेसमेंट मैनेजमेंट। ठीक है, अब ये 5 डिपार्टमेंट है फाइनेंस मिनिस्ट्री के। अब हर एक डिपार्टमेंट के ऊपर एक सेक्रेटरी बिठाया हुआ है ताकि वो सब कुछ देखता रहे कि कैसे काम हो रहा है, डिपार्टमेंट अच्छा कर रही है बुरा कर रही है। ठीक है, मॉनिटर करना बेसिकली, यू नो यू हैव टू सुपरवाइज द प्रोसेस वॉट एवर इज हैपनिंग इन ईच डिपार्टमेंट। सो गाइज स्टार्टिंग विद इकोनॉमिक अफेयर्स, सबसे पहले मैं उसके रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताता हूँ कि वो क्या करते हैं, क्या उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, क्या काम मीन है उन लोगों का पार्लियामेंट के रिलेटेड। सो आई विल बी टॉकिंग अबाउट दैट। सो बेसिकली द फर्स्ट पॉइंट इन इकोनॉमिक अफेयर्स इज द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इज दैट कि वो हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट बनाती है और उसको पार्लियामेंट के सामने रखती है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो भी हमारा बजट बनता है हर साल उसको पार्लियामेंट में जाके डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स रखती है। अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज है जो कंट्री के लिए रूल आउट करती है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ठीक है, तो फर्स्ट वुड बी योर फिजिकल पॉलिसी, सेकेंड वुड बी योर पब्लिक फाइनेंस पॉलिसी, देन योर इन्फ्लेशन पॉलिसीज, डेट मैनेजमेंट पॉलिसीज एंड योर स्टॉक एक्सचेंज पॉलिसीज। ठीक है, इस सारी चीज़ों को कंट्रोल करना, इसको मॉनिटर करना, ठीक है, ताकि इकोनॉमी में पैसे का जो सप्लाई है, डिमांड एंड सप्लाई है, उसमें इम्बैलेंस क्रिएट ना हो। ठीक है, देर शुड बी अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन व्हाट इज बीइंग डिमांडेड एंड व्हाट इज बीइंग सप्लाइड। ठीक है, इसको मेंटेन करना, ठीक है, ये काम करता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। इसके अलावा जो वर्ल्ड बैंक, आपके जो IMF है, आपका WTO जो है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसके साथ भी जो अंडरस्टैंडिंग या कहीं ना कहीं जो लेन देन होता है वो भी मेंटेन करके रखना होता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स को। ये भी इसके अंडर इनका काम ही होता है, ये लोग यही देखते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर IEC की बात करूं तो इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज, ये भी इसी का पार्ट ही होता है, इसी के अंडर आता है। तो बेसिकली करियर मैनेजमेंट देखना, ठीक है, गोल सेटिंग्स बनाना, तो ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है। तो इतना था डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के बारे में। द नेक्स्ट पॉइंट वुड बी द एक्सपेंडिचर वाला पार्ट। तो एक्सपेंडिचर से आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा दैट एक्सपेंडिचर इज, हिंदी में बोलूँ तो खर्चा, ठीक है, जो सरकार का खर्चा होता है, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री का खर्चा होता है हर साल, तो उसको हम लोग एक्सपेंडिचर कह देते हैं। इसके ऊपर एक सेक्रेटरी भी होता है जो इसको ध्यान रखता है कि खर्चा ज़्यादा ना हो, बेसिकली मेंटेन करके रखना, और अगर हो भी रहा है तो कहाँ हो रहा है, ठीक है, लुकिंग आफ्टर व्हाट इज गोइंग राइट एंड व्हाट इज गोइंग रॉन्ग, दैट इज़ नोन एज सेक्रेटरीज जॉब एंड बेसिकली मेंटेनिंग द प्रॉपर एक्सपेंसेस। सो ये हमारा एक्सपेंडिचर वाले पार्ट में आता है। सो गाइस बेसिकली जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर होता है, बेसिकली दे इट हैज़ वन टर्म दैट इज नोन एज PFMS, दैट इज पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, अब ये क्या होता है कि जो सब्सिडरीज होती हैं वो जो गवर्नमेंट देती है बेनिफिशरीज को, ठीक है, तो इसका हिसाब किताब रखना। ठीक है, इसके अलावा जो आपके फाइनेंस कमीशन होता है, आपका जो सेंट्रल पे कमीशन होता है, जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है उसको इन दो अथॉरिटी से, इस दो इंस्टीट्यूट से सजेशन आते हैं, ओपिनियन आते हैं कि आपको इस साल का खर्चा यहाँ करना चाहिए या ये स्कीम निकालनी है, ये करना है, वो करना है, एंड दे हैव टू इम्प्लीमेंट इट इन द गवर्नमेंट अकाउंट्स। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को सपोज UP की स्टेट गवर्नमेंट है, BR की स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है, कितना पैसा दिया, ठीक है, उनके उस स्टेट की डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ठीक है, कितने शेयर में पैसा दिया, बेसिकली ये सारा इसके अंदर आता है, दैट इज़ नोन एज डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। सो ये यहाँ तक काम आती है। ठीक है, इसके अलावा जो एक पॉइंट है जो मुझे लगता है थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, आप लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि जो गवर्नमेंट के अकाउंट्स होते हैं, ठीक है, वो तीन टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन वुड बी योर कंसोलिडेटेड फंड्स, सेकंड वुड बी योर कंटीजेंसी फंड्स एंड लास्ट वन इज योर पब्लिक अकाउंट।
सो जो कंसोलिडेटेड फंड होता है वो होता है कैपिटल अकाउंट एंड पब्लिक डेट, डेट के ऊपर, ठीक है। आगे अगर इसको बाइफ्रिकेट करोगे तो ये आपको बोरिंग्स बाय गवर्नमेंट एंड देयर रीपेमेंट्स के ऊपर लेके जाएगा। उसके नीचे आएगा आपका लोन्स एंड एडवांसेस पेड बाय द गवर्नमेंट एंड देयर रिकवरीज, ठीक है। एंड पब्लिक अकाउंट पे जाओगे तो इट विल बी डेट इंक्लूडिंग कंसोलिडेटेड फंड्स एंड डिपॉजिट्स पे जाओगे जाएंगे। तो ये एक मैं स्ट्रक्चर डाल रहा हूँ यहाँ पे, मैं तुम लोगों के लिए ईजी कर देता हूँ, तो वो आप फिगर देख के समझ सकते हो कि कैसा काम होता है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का। ये था डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के बारे में। Now shifting to अच्छा एक चीज और थी, जो National Institute of Financial Ministry जो autonomous body है ये इसी का part है, ठीक है। So basically they look after the expenditure matter कि कहाँ कितना पैसा जा रहा है कितना नहीं जा रहा, they look into that। अगर इसके अलावा भी आपको अच्छी तरह समझना है तो मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जहाँ पे आई कैन टॉक अबाउट इन मतलब इन डेप्थ आई कैन टॉक अबाउट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड जो बजट निकालती है और जो बजट खर्चा जाता है, ठीक है। Now shifting to Department of Revenue. Revenue आप लोगों को पता ही है क्या होता है revenue, basically the income part, we can say that the income which is being generated by the government, ठीक है, या जो पैसा कमाते हैं उसको हम revenue बोल देते हैं, ठीक है। तो एक expenditure हो गया जो खर्चा हो गया, and revenue हो गया जो हमारा income हो गया, जो हम पैसा कमा रहे हैं। I would say that जो revenue generation है that is basically done by tax, ठीक है। टैक्स लगाने से ही पैसा कमाते हैं डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू वाले, बेसिकली गवर्नमेंट, ठीक है। अब आप लोगों को पता होगा कि टैक्स में एक इनडायरेक्ट टैक्स आता है, एक डायरेक्ट टैक्स आता है, ठीक है। जो जो हमारा डायरेक्ट टैक्स है उसको हम सीबीटी के अंदर भी लेते हैं, सीबीडीटी, सो दैट इज नोन एज सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। और जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो सीबीआईसी में लेते हैं, जिसको कहते हैं हम सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। अब गाइज इसके अलावा जैसे आपने सिविल सर्विसेज के बारे में सुना होगा, तो ये IAS, IPS, तो इसके अंदर एक और चीज़ आती है जैसे हम बोलते हैं इंडियन फाइनेंशियल सर्विसेज IFS, ठीक है। तो हम इसके ये इसकी इसी का पार्ट है, ठीक है। एंड ये लोग थोड़ा सा इकोनॉमिक लॉज भी देखते हैं, इकोनॉमिक लॉज, मनी का लेन देन, दे ट्राई टू यू नो दे ट्राई टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग, दे ट्राई टू प्रिवेंट नार्कोटिक्स ऑल्सो, ठीक है। कोई नार्कोटिक ड्रग्स में है तो उसको भी कहीं ना कहीं रुकवाना, ठीक है। किसी भी तरह का मनी सप्लाई में झोल करना, ठीक है। ऑल दीज थिंग्स आर कमिंग इन टू दिस डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। बट प्राइमरी सोर्स जो है जहाँ से पैसा आता है दैट इज ओनली नोन एज टैक्स, चाहे वो आपका डायरेक्ट टैक्स हो चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स हो, द मनी इज बीइंग कलेक्टेड फ्रॉम दिस एंड दैट इज हाउ द रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट इज जनरेटेड एंड अप्लाइड डिफरेंट एट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड ऑल दैट स्टफ। सो ये था डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के बारे में। सो गाइज इसके बाद जो डिपार्टमेंट आता है दैट इज नोन एज डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है। सो गाइज इसमें जितने भी हमारे बैंक्स हैं हमारी कंट्रीज में, ठीक है, हमारे कंट्री में जितने भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, हमारे जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, और एट द सेम टाइम जो हमारा नेशनल पेंशन स्कीम है, इसकी फंक्शन को देखना, बेसिकली एवरीथिंग रिलेटेड टू ऑल दीज इंस्टीट्यूट्स, ये हमारा डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज देखता है, ठीक है, मॉनिटर करता है। इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ हमारा जो सेबी है, सेबी इज लाइक यू नो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो बेसिकली कोई भी फ्रॉड होता है, कोई भी स्कैम होता है, तो ये सारी चीज़ें इन लोगों के पास जाती है जो सेबी है बेसिकली, ठीक है। कुछ भी स्टॉक मार्केट रिलेटेड कुछ हुआ, बैंक्स के रिलेटेड कुछ हुआ, इंश्योरेंस कंपनी ने कुछ झोल कर दिया, ठीक है, या कुछ भी इस तरह की इशूज़ आते हैं, तो दीज आर द थिंग्स विच आर बी टेकन टेकन अप बाय दिस थिंग सेबी एंड आरबीआई एंड एवरीथिंग। सो ये बेसिकली हमारा जो सेंट्रल सिस्टम को हमारे जितने भी फाइनेंशियल सिस्टम्स हैं उसको कंट्रोल करना, सर्विसेज को कंट्रोल करना, बेसिकली मेंटेनिंग अ प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर फॉर बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, नेशनल पेंशन स्कीम्स, एंड बेसिकली मेंटेनिंग अ प्रॉपर हेल्दी फ्लो बिटवीन ईच इंस्टीट्यूट, सो दैट कहीं पे भी झोल ना हो, कहीं पे भी प्रॉब्लम ना क्रिएट करे, ठीक है। सो दैट वॉज अबाउट डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। सो गाइज लास्ट बट नॉट द लीज हमारा आता है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। तो बेसिकली इसका काम ये होता है कि जो गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, जो आपके यू नो HAL है, या आपका ऑयल इंडिया लिमिटेड है, या कोल इंडिया है, या आपका भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है, इनमें जो इन्वेस्टमेंट करती है गवर्नमेंट, इसको बेसिकली मॉनिटर करना जो इन्वेस्टमेंट्स है। एट द सेम टाइम जो आपके पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती हैं उसमें भी कितना इन्वेस्ट करना और कितना डिसइन्वेस्ट करना, ये भी ये डिपार्टमेंट बताती है गवर्नमेंट को। सो बेसिकली दैट इज बीइंग हैंडल्ड बाय दिस डिपार्टमेंट।
सो गाइज ये थे आपके 5 डिपार्टमेंट्स जो फाइनेंस मिनिस्ट्री में काम करते हैं। मैं फिर से बता देता हूँ, फर्स्ट वन इज योर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, सेकंड इज योर एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट, थर्ड इज योर रेवेन्यू डिपार्टमेंट, फोर्थ वन इज योर डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज एंड द लास्ट इज द इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। सो ये 5 डिपार्टमेंट्स हैं जिसके बेसिस पे एक हमारी इकोनॉमिक हमारी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है काम करती है।